हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हाइट विंग्स। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं और आपके सब बार्स भी हेल्दी हैं। तो चलिए नया टॉपिक के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपनी बार्स को डेली फूड चार्ट में क्या क्या सीड मिक्स प्रोवाइड करें, क्योंकि सीड मिक्स बार्स के लिए ज़रूरी तो है ही और बार्स सीड मिक्स बहुत पसंद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो सीड मिक्स बार्स को देता हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और सीड मिक्स कैसे बनाना है वो भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल मेरे पास तो सभी सीड मिक्स नहीं हैं जो मैं देता हूं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन है उसके वजह से शॉप में हर तरीके का सीड अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो मेरे पास है वही दिखाऊंगा, बाकी क्या क्या देना है वो भी शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को सीड मिक्स बनाने के लिए जो चाहिए वो है छोटा कंगनी दाना, उसके बाद है बड़ा कंगनी दाना। और यही दोनों दाना हम सभी के पास होता है, क्योंकि हम बर्ड्स को डेली जो सीड देते हैं यही दोनों दाना प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है सनफ्लावर सीड। सीड मिक्स में इसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कुसुम दाना। ये बर्ड्स की हेल्थ को ठीक रखने के साथ साथ नेचुरल एंटीबायोटिक का काम भी करता है। इसके बाद है रेड मिलेट। ये है कैनरी सीड। लव बर्ड्स, जाभा, फिंचेस, ये सब बर्ड्स कैनरी सीड बहुत पसंद करते हैं। ये है पैडी यानी धान। स्पेशली जाभा बर्ड्स का सीड मिक्स में पैडी यानी धान का होना ज़रूरी है। और यही सब आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है और एक जगह में सबको मिला के मिक्सिंग करना है। और क्या प्रोपोर्शन यानी कितना करके देना है वो भी मैं बताता हूँ। आप 1 kg के हिसाब से बजिस, फिंच, जाभा, कॉकाटेल, लव बर्ड्स, जो सारे छोटे टाइप का बर्ड्स हैं उनके लिए बना रहे हो, तो आपको 1 kg सीड मिक्स बनाने के लिए छोटा कंगनी दाना देना है 150 ग्राम और बड़ा कंगनी दाना देना है 250 ग्राम और उसमें 200 ग्राम सनफ्लावर सीड और 150 ग्राम कुसुम दाना देना है। और कैनरी सीड 100 से 150 ग्राम और उसके बाद पैडी यानी धान 100 ग्राम देना है। और ब्लैक सीड मैं ब्रीडिंग सीजन में देता हूँ, और अगर आपको सीड मिक्स में देना है तो बहुत ही कम मात्रा में देना है, क्योंकि ये बर्ड्स के शरीर को हीट करता है। और रेड मिलेट आपको 80 से 100 ग्राम देना है सीड मिक्स के लिए। और छोटा कंगनी दाना सीड मिक्स में ज़रूर दें, क्योंकि फिंच बर्ड बहुत ही पसंद करता है। तो ऐसे ही आपको छोटे बर्ड्स के लिए सीड मिक्स बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे सीड मिक्स बनाया और क्या क्या ऐड किया आपने देखा। और अपने बर्ड्स को आप भी सीड मिक्स प्रोवाइड करें, क्योंकि ये बर्ड्स के हेल्थ के लिए ज़रूरी भी है। और ये जो सीड मिक्स आपने देखा, ये बजिस, कॉकाटेल, लव बर्ड्स, जाभा, एक्सोटिक फिंचेस, ये सब के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके पास बड़े टाइप का पैरोट बर्ड्स है, जैसे मैकाओ, ग्रे पैरोट, सन कॉनियोर, कोकाटू, मॉन्ग पैराकीट, ब्लू फॉन्ड अमेजन, ये सब बर्ड्स के लिए आपको छोटा और बड़ा कंगनी दाना सीड मिक्स में बहुत कम देना है। और सनफ्लावर सीड, कुसुम दाना, गेहूँ, बजरा, ये सब का क्वांटिटी आपको बढ़ाना है। स्पेशली सनफ्लावर सीड का क्वांटिटी बढ़ाना है। और बड़े टाइप के पैरोट बर्ड्स के लिए आप 1 kg के हिसाब से सीड मिक्स बना रहे हो, तो आपको उसमें 350 से 400 ग्राम सनफ्लावर सीड, 200 ग्राम कुसुम दाना, 150 से 200 ग्राम गेहूँ, 200 ग्राम बाजरा, 50 से 100 ग्राम ब्लैक सीड। और ये ब्लैक सीड गर्मी में नहीं देना है, उसके बदले आप 100 ग्राम रेड मिलेट ऐड कर सकते हो। और इसके बाद कैनरी सीड थोड़ा देना है, ज़्यादा नहीं देना है। नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बड़े टाइप का जो पैरोट बर्ड्स है वो सीड मिक्स में मेन जो है सनफ्लावर सीड, कुसुम दाना, गेहूँ, बजरा, यही सब बहुत पसंद करते हैं। तो आप छोटा दाना नहीं दोगे तो भी चलेगा या कम दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो लोग छोटा दाना इतना पसंद नहीं करते।
और यही सब आपको एक जगह में रख के मिक्सिंग करना है और ऐसे ही सीड मिक्स बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक मिलती रहे।